गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चेक के रेखांकन को रद्द करने के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर चेक का धारक ये चाहता है कि उसे नगद पेमेंट किया जाए, नगद भुगतान उसे प्राप्त हो, वो तुरंत कैश चाहता है, तो वो लेखक या अर्हता से चेक के रेखांकन को रद्द करने का या रद्द करने की प्रार्थना भी कर सकता है। और चेक का रेखांकन रद्द लेखक या अर्हता द्वारा कैसे किया जाएगा, इसे पढ़ते हैं। लेखक रेखांकन को रद्द करने या हटाने का अधिकार केवल अर्हता अथवा लेखक को ही होता है। यदि प्रापक का खाता बैंक में नहीं है अथवा चेक का खिड़की पर नगद भुगतान चाहता है, तो वह रेखांकित चेक को वापस लेखक या अर्हता के पास ले जा सकता है और उसके रेखांकन को रद्द करवा सकता है। रेखांकन को रद्द कराने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले रेखांकन को काटा जाता है, यानी कि रेखांकन को काट दिया जाए या जो रेखांकित चेक है उसे हटा दिया जाए, उसके स्थान पर दूसरा चेक जारी किया जाए। दूसरा, रेखांकन काटने के पश्चात क्रॉसिंग कैंसिल्ड या पे कैश अथवा प्लीज़ पे कैश, यानी कि कृपया नगद भुगतान कीजिए आदि शब्द लिख दिए जाएं। या फिर रेखांकन काटने के स्थान पर लेखक के पूर्ण हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं, अतः लेखक अपने पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करता है। यानी कि बाईं ओर जो तिरछी रेखाएं होती हैं उन्हें काटने के पश्चात, या उन्हें विशेष शब्द जो लिखे होते हैं उन्हें काटने के पश्चात, वहां पर लेखक को अपने हस्ताक्षर भी करने होते हैं। जो लेखक पहले ही चेक में हस्ताक्षर कर चुका होता है, उन्हीं हस्ताक्षर के नमूने के आधार पर दूसरे हस्ताक्षर भी उसी प्रकार के करने होते हैं, जिससे बैंक ये समझ जाता है कि इस रेखांकन को रद्द कर दिया गया है। उपर्युक्त विधि से रेखांकन को समाप्त करके रेखांकित चेक खोला जा सकता है। इस प्रकार से रेखांकित चेक खुले चेक में परिवर्तित हो जाता है। इसका भुगतान बैंक की खिड़की से प्राप्त हो सकता है, यानी कि रेखांकित चेक बैरियर चेक में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे खुला चेक भी कहते हैं, और उसका भुगतान नगद प्राप्त किया जा सकता है तुरंत बैंक से। जिस चेक पर अर्हता ने रेखांकन हटाया है, उस पर अर्हता द्वारा किए गए हस्ताक्षर की वास्तविकता तथा विधि मान्यता का पता लगाने में भुगतानकर्ता बैंक को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि चेक के धारक ने चेक पर रेखांकन हटाने के लिए अर्हता के हस्ताक्षर जो चेक पर पहले से ही हैं जाली बना दिए हैं, और वह खिड़की पर चेक प्रस्तुत करके बैंक से नगद भुगतान ले लेता है, तो बैंक उस चेक के वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा। बैंक पर यह दायित्व होता है कि चेक पर रेखांकन के माध्यम से अर्हता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही चेक का भुगतान करें। यानी कि चेक के ऊपर जिसका भी वो चेक है, यानी कि अर्हता तो लेकर आता है, परंतु लेखक द्वारा ही उस पर क्रॉस चेक जो होता है उसे बैरियर बनाना चाहिए, यानी उसे खुले चेक में परिवर्तित करना चाहिए। अगर किसी और के द्वारा चेक परिवर्तित किया गया है और उसके बाद बैंक उसका भुगतान कर देता है, तो बैंक खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।